कैबिनेट ने बैठक में 8 रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इस बारे में सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि परियोजनाओं को ऐसे इलाकों में बनाया जाएगा जो पहले से रेल संपर्क से अछूते हैं और इनके जरिए परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये 8 परियोजनाएं 7 राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेंगी और रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 900 किलोमीटर का इजाफा होगा। इनमें 64 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इनके जरिए 510 गांवों और 40 लाख आबादी को फायदा होगा। 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन 8 बड़े प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, उड़ीसा का जो सदर्न पोर्शन है और वेस्टर्न पोर्शन है उसके, गुणुपुर थेरुबली न्यू लाइन 73 किलोमीटर्स, जूनागढ़ नवरंगपुर न्यू लाइन 116 किलोमीटर्स, मलकानगिरी पांडुरंगपुरम वाया भद्राचलम न्यू लाइन 173 किलोमीटर्स। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न उड़ीसा में कंप्लीट एक कॉरिडोर बनता है वेस्टर्न उड़ीसा से साउथ उड़ीसा और आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाला, और उस कॉरिडोर को और आगे देखें अगर हम तो प्रैक्टिकली आसनसोल से लेके नीचे वारंगल तक कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बनता है। इसका बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है, मिनरल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है इसकी, और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पॉर्टेंस है।